वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर एक सेकेंड बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। देखिए, एक इंसान ये है कि किसी रीजन की वजह से काम कर रहा है, और एक इंसान ये है कि अपनी, उन्हें कहते हैं कि वाह वाह बटोरने के लिए काम कर रहा है कि हाँ लोग बोले वाह क्या अच्छा काम किया है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। जो काम कर रहा है अपनी बड़ाई बटोरने के लिए, वो इंसान जो है वो ज्यादा लंबे समय तक उस फील्ड में टिक नहीं पाएगा। पर लेकिन जो इंसान कर रहा है रियलिटी में, उसको ये कोच समझ में आता है कि हाँ यार इसके लिए काम करना चाहिए, वो इंसान आप लोगों को बहुत लंबा जाता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। रियलिटी क्या है? रियलिटी हमेशा ये है कि आप लोगों को जब भी कोई काम कर रहे हैं वो अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, वो एक रीजन के लिए आप लोगों को काम कर रहे हैं। जिस रीजन की वजह से आप लोग उस काम को करना स्टार्ट करते हैं, वो रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो काम जो है लंबे समय तक टिकने वाला है। अभी यहां पर अगर मैं बात करूं, एक इंसान है, वो इंसान क्या कर रहा है, रास्ते से जा रहा है तो उसको एक ऐसा इंसान मिला जो कि काफी गरीब है। लग रहा था कि दो दिन से इसने खाना नहीं खाया। अब उस इंसान को लगा कि यार इसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसने क्या किया, इस इंसान को खाने के लिए खाना दे दिया। पर लेकिन एक इंसान ऐसा है कि इस इंसान को खाने के लिए खाना दिया और चला गया, और दूसरा इंसान ऐसा है कि उसने इस इंसान को खाने के लिए खाना दिया, फिर उसके साथ में एक वीडियो बनाई, और वीडियो उसने बनाई इसलिए ताकि लोग और ज्यादा इंस्पायर हो सके। तो ये भी अपनी जगह सही है, चलिए और ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सके। पर लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने खाने के लिए खाना भी नहीं दिया, बस वीडियो बना ली कि एक गरीब इंसान बैठा हुआ है, और बस अपना बल्ले बल्ले करके निकल गया और जाकर उस पिक्चर को इधर उधर पोस्ट कर दिया। तो आप लोग ये सोचिए कि तीनों इंसान में डिफरेंस क्या नजर आएगा। ये जो तीसरे नंबर का इंसान है ना, ये कभी किसी की हेल्प करता हुआ आप लोगों को नजर नहीं आएगा, बस वहा वहा ही बटोरता हुआ नजर आएगा। पहले नंबर का इंसान क्या है, उसने काम भी किया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे इंसान आप लोगों को बहुत कम इस सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, जो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है, और सामने से दिखता है कि ये करी क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके जो इंसान है जो कभी भी अपना कोई काम किया है उसके लिए कोई फल की चिंता नहीं करते हैं, उनको तो सैल्यूट है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। पर दूसरी कैटेगरी के इंसान को भी आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं अच्छे से, और काफी अच्छे से, काफी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, और वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ में वो उसको पब्लिकली दिखा भी रहे हैं कि हाँ यार हम लोग ये काम कर रहे हैं ताकि और लोग इंस्पायर हो सके। इसको भी आप लोग काफी हद तक सही बोल सकते हो। पर लेकिन जो पर्टिकुलर इसी चीज के लिए काम कर रहा है कि बस बल्ले बल्ले मिलते रहे और ये लगता रहे कि हाँ लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में जाके देखो कुछ नहीं मिले, तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बनना भी है तो कम से कम सोनू सूद की कैटेगरी में आइए कि जिस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, लोगों को सबको पता चल रहा है हेल्प कर रहे हैं, तो इनके उस देख देख कर बहुत सारे लोग आगे आ गए हैं हेल्प करने के लिए, तो वो भी एक अच्छी बात है। इससे कम से कम किसी ने किसी को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये ऐसी बातें हैं जो आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, जाकर इसको मैप में देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर कुक आइलैंड के बारे में, जो कुक आइलैंड है उसके बारे में क्वेश्चन है, और आप लोगों के सामने ऑप्शन है। बोला जा रहा है ये कहां पर लोकेटेड है, तो इंडियन ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, या फिर ये आर्कटिक ओशन में। तो सही आंसर क्या है इसका, ए बी सी एफ डी। अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिस्कशन काफी प्यारा रहने वाला है, स्टार्टिंग में ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को जो न्यूज़पेपर है, उसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल देखेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जीएसटी मीटिंग की अभी काउंसिल हुई, जो जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई। तो जो जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग हुई है, ये कौन से नंबर की मीटिंग थी, ये याद रखिएगा, ये 43rd मीटिंग हुई, और ये जो 43rd मीटिंग हुई ये 8 महीने बाद हुई, तो ये काफी लंबा खिंच गया कोविड-19 के चलते। लग ये रहा था कि जल्दी जल्दी मीटिंग होती रहनी चाहिए ताकि सिचुएशन को समझा जा सके, पर लेकिन जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए ये मीटिंग हुई थी वो पर्टिकुलर पर्पज कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आया। बोला ये जा रहा था कि यार देखो आज की डेट में कोविड-19 के चलते लोगों की खस्ता हालत है, दवाइयों का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस काफी ज्यादा है, और भी कई सारी इसेंशियल जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में जो वैक्सीन अगर कोई भी कोविड-19 की आती है उस पर 5% जीएसटी लगता है, इसी के साथ में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग कोई खरीद कर लेकर आते हैं उस पर 12% जीएसटी लगता है। पहले ये जो जीएसटी लगता था यहाँ पर ये और ज्यादा लगता था, अब इसको घटा दिया गया, चलिए अच्छी बात है। पर लेकिन जैसा ये पेंडेमिक है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक पृथ्वी पर इस तरीके की महामारी कभी देखने को मिली है कि ऑल ओवर वर्ल्ड को अपनी चपेट में लेकर चली गई, तो इतने लार्ज स्केल पर। तो स्पेनिश फ्लू को थोड़ा बोला जाता है, पर लेकिन ये उससे कहीं आगे निकल चुका है जिस तरीके से इसकी सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। रीजन अब यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि उस टाइम पर लोगों में ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, आज की डेट में आज एक घंटे पहले यहां पर इंडिया में बैठा है, अगले ही घंटे आप लोगों को वो इंसान जो है
वो हो सकता है चाइना के अंदर मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जिस तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ गया काफी लार्ज स्केल पर, उसके चलते ये कोरोना वायरस भी उतनी ही ज्यादा स्पीड से पहुंचा। तो ये रीजन है काफी लार्ज स्केल पर, ये रातों ही रात जो है सबका प्यारा बन गया कोरोना और सब लोगों ने अपने गले लगा लिया इसको। तो इसके चलते कंडीशन ये है कि ऐसी महामारी आ गई है, अब बीमारी को टैकल कर रहे हैं। तो उसके चलते बोला ये गया था कि जो टैक्स लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो टैक्स जो है वो कम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर आज के डेट में कोविड 19 की दवाइयां जो है वो थोड़ी सस्ती हो सके, क्योंकि ये अब रिक्वायरमेंट बन गई है हर एक इंसान की, इवन गरीबों को भी, सबको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसी के चलते अभी फिलहाल तो इसमें कोई छूट नहीं दी है, पर लेकिन एक ग्रुप बनाया गया है जिसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बोला गया है, ये रिकमेंडेशन देगा अपनी 8 जून को। इस रिकमेंडेशन के बेस पर देखा जाएगा कि आगे लेकर चीजों को कैसे चलने, कि हाँ इसके ऊपर क्या क्या डिसीजन लिए जाने हैं। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो हमारी कंट्री में एक ऐसा टैक्स है जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली आप लोग पे नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, आप लोग डायरेक्ट जाकर पे करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डायरेक्ट जाकर पे किया जाता है। पर जीएसटी क्या होता है, जिससे मान लीजिए आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ही खरीदा, तो आप लोगों ने तो जो उसके ऊपर प्रिंट था वो पे कर दिया आप लोगों ने, पर आप लोगों को नहीं पता उसके अंदर इंक्लूड रहता है टैक्स भी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि शेयर होता है ना, जो टैक्स शेयरिंग होता है। ठीक है, सैनियर की जीएसटी जो होता है सेंट्रल स्टेट में शेयर होता है, तो वो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर यहां पर बातें की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप लोग बोलते हैं, संघवाद का ढांचा, इसका मतलब यह कि सेंट्रल स्टेट जो है वो मिलकर काम करेंगे। तो उसको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की जा रही है। एक काफी प्यारा आर्टिकल है जिसको सुनकर आप लोगों के चक्षु खुलेंगे, उस आर्टिकल में मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूंगा। जानकर आप लोग काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लेक्चर उसको आर्टिकल को पढ़ने में काफी मजा आया, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने में मजा लूंगा उसको, तो उससे आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, और एसे भी दूंगा, क्योंकि सैटरडे मैंने बोला था सैटरडे को एसे दिया करूंगा आप लोगों को, जैसे पहले देता था। तो अच्छे से एसे भी अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करके चलनी है, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग उसको यहीं पर ही मिटा सके, एग्जाम में प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। कुछ और बातें हैं यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अभी अगर कोई यहाँ से सामान खरीद कर लेकर आते हैं, मान लीजिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी फिलहाल घर में काफी सिचुएशन खराब चल रही है, कुछ किताबें आप दुआ दो हमको। ठीक है, तो मैं मान लीजिए वो किताब मैं खरीद कर लेकर आ रहा हूँ और वो डोनेट करने के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर यह बोला गया कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो डोनेशन के लिए है एक तरीके से, उसमें कोई अर्निंग नहीं कमा रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन उससे कोई प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। दूसरा, जब यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के बीच में टैक्स की शेयरिंग होती है तो काफी कमी पड़ रही थी, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि 1.158, ठीक है, तो ये इतने लाख करोड़ रुपए जो हैं ये स्टेट को हो सकता है कंपनसेशन के तौर पर दिए जाएंगे, जो कि ड्यू बचा हुआ है, तो उसको लेकर कैसे लेकर चलना है तो देखते हैं। बाकी स्पेशल सेशन की भी बात की जा रही है कि जीएसटी जो कंपनसेशन है उसको कैसे लेकर चलना है, क्या सेस लगाया जाएगा। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। मान लीजिए आज की डेट में मैं 100 रुपए इनकम टैक्स पे करता हूं अपनी अर्निंग पर, तो 100 रुपए इनकम टैक्स मैंने पे कर दिया, तो इसमें मान लीजिए 2 रुपए सेस लगा दिया। वो सेस किस लिए लगा दिया, कि जो कंपनसेशन दिया जाएगा जो राज्य को, उनका जो कंपनसेशन बचा हुआ है, तो अगर ये सेस लग गया तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनसेशन के लिए ही यूज किया जाएगा इसको। ऐसा नहीं कि आप लोग एजुकेशन के लिए यूज कर लो, एनवायरमेंट के लिए यूज कर लो। तो सेस की इंपॉर्टेंस ये होती है कि सेस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है और उसी पर्पज के लिए उसको यूज किया जाता है, कहीं और आप लोग यूज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि जो सेस होता है उसको लेकर राज्य काफी परेशान रहते हैं, कि सेस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहता है, वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर नहीं होता है। तो इसके चलते राज्य क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं यार ये गलत बात है, आप लोग क्या कर रहे हो, सेस जैसे टैक्स बढ़ाते जा रहे हो ताकि स्टेट को शेयर न करना पड़े चीजें, और वैसे टैक्स आप लोग घटाते जा रहे हो। तो कई सारे राज्य इस चीज को लेकर भी सदमे में थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो कई सारी बातें, बाकी आप लोगों से कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप लोगों को फिगर्स जो है आप लोगों को एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे। आगे बात कर लेते हैं कोलकाता के अंदर कोविड 19 की जो डेथ के केसेस हैं अभी यहाँ पर 4 गुना ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये तो होना ही था, इसमें कोई सरप्राइज करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर जो सिचुएशन देखने को मिली थी उस टाइम पर तो बल्ले बल्ले में सब कुछ चल रहा था, लग रहा था कि बस बस इलेक्शन हो जाए, उसके बाद में कहां कोरोना, ऐसा लगता है जहां इलेक्शन होता है वहां कोरोना होता ही नहीं है, कोरोना को एलर्जी है इलेक्शन से, पर लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। ये इंसान जो है वो अपना आपको उस तरीके से देखने लगते हैं कि हाँ बस इंटरटेनमेंट के और मजे के मूड में रहते हैं, तो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो अभी सिचुएशन सामने, अब झेलिए इसको, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। आगे अगर बात करें यहां पर, देखिए एक तो होती है रिक्वायरमेंट, उसको बोलते हैं डिमांड, एक होती है सप्लाई, उसको बोलते हैं एक तरीके से चीजों को कंटिन्यू मार्केट में प्रोवाइड कराना। तो कोवैक्सीन की जो साइकिल है वो बोला जा रहा है कि हिट कर सकती है सेंटर की जो डेडलाइन है, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया है अभी कुछ बीच में टाइम ड्यूरेशन रखने के लिए, पर लेकिन जो सप्लाई है वो अभी कंप्लीटली नहीं हो पा रही है, तो इसके चलते लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पर। बाकी ये पक्षी हैं वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहे हैं। तो यहाँ पर यह डीपीएस लेक, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले डीपीएस लेक कहाँ पर लोकेटेड है,
तो ये है नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड। तो मॉनसून का सीजन भी अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 1 जून से तो और शानदार तरीके चीज देखने को मिलेगी। अभी यास साइक्लोन जो है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कहने के लिए तो यास साइक्लोन का जो नाम है वो फ्रेग्रेंस होता है, सुगंध एक तरीके से महक टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, जैस्मीन से जो महक आती है उस तरीके से। पर लेकिन ये जो हरकतें कर रहा है वो अपने नाम को फॉलो करके नहीं चल रहा है, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी अकेले वेस्ट बंगाल के द्वारा लगभग 1000 करोड़ से ऊपर बोला गया कि नुकसान हो गया है, ठीक है, इस साइक्लोन की वजह से। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा भी दिया है, अब वो पैसा कितना कारगर होने वाला है तो वो अभी हमको देखने को मिलेगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया गया वो दिया गया 1000 करोड़ जो दिया गया यहां पर, ये किस किस को दिया गया, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड को दिया गया है। जबकि अकेला जो वेस्ट बंगाल है वो बोल रहा है कि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमारा अकेले का खर्चा हो गया है। तो कैसे यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, तो ये फिलहाल हालांकि एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, आगे फिर चीजों को देखा जाएगा क्या क्या सिचुएशन चल रही है, क्या क्या कंडीशन है, और उसके बाद में फिर चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। आप लोगों को पता है कि सेंटर स्टेट के बीच में क्या रस्साकसी चल रही है, तो इसके चलते अभी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिली। जब यहां पर ममता बनर्जी जी को बुलाया गया था यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, यहां पर अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया ताकि जो प्रॉब्लम चल रही है उसको टैकल किया जा सके, पर ममता बनर्जी जी जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने स्किप कर दी जो यास की रिव्यू मीटिंग की जा रही थी मोदी जी के द्वारा। ये गलत चीज है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर किसी पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि उसको स्किप कर दीजिए। और फिर क्या किया, ऐसा नहीं कि मिलने नहीं गई, फिर सेपरेटली मिलने गई यहां पर सबमिट रिपोर्ट करने अपनी जो यहां पर साइक्लोन को लेकर, यानी कि डायरेक्ट वो जो मीटिंग थी उसमें नहीं मिली, अलग से यहां पर जाकर ये मिली यहां पर, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। कई सारे जो हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर उनके द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये क्या कैसे डिक्टेटरशिप है यहां पर, इस तरीके से क्या चल रहा है। तो सबके अपने अपने फंडे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को देखते रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है ना, अगर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों में गारंटी देता हूं कि आप लोगों को कपिल शर्मा का शो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो भी COVID-19 के चलते कई सारे बच्चे जो ऑर्फन यानी कि अनाथ हो गए, जिनके मां बाप की डेथ हो गई अभी रिसेंटली, और कई सारे बच्चे जो है सड़कों पर आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको आइडेंटिफाई करो और उनको हेल्प मिलनी चाहिए। ये काफी ज्यादा जरूरी भी है, अगर कोई किसी बच्चे को गोद ले सकता है तो वो गोद भी ले, और इसी के चलते चीजों को आगे लेकर चला जाए। ये एक ऐसा टाइम है जहां पूरी कंट्री को साथ में मिलकर काम करना है। ऐसी सिचुएशन है जिसके पास जो भी रिसोर्सेज अगर किसी की हेल्प कर सकता है तो वो हेल्प जरूर करे। पर लेकिन एक ऐसा आर्टिकल मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये कि हेल्प करनी चाहिए पर लेकिन यहां पर लूटने के पीछे पड़ी हुई है आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज, जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है, और उसमें एक कंपेरिजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को एक नया एंगल निकलकर सामने आएगा कि क्या ऐसा भी सोसाइटी में देखने को मिलता है, तो जानेंगे उस आर्टिकल में। अभी यहां पर बात की जा रही है दिल्ली को अनलॉक करने की बात की जा रही है, यानी कि ताला जो लगा हुआ है 31 मई तक का, अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया इसको आराम आराम से अब ओपन किया जाएगा। तो देखते हैं कितना ओपन किया जाता है यहां पर। अभी 31 मई को सुबह 5 बजे तक का यहां पर लॉकडाउन है, उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है, कुछ खोला जाएगा, मेट्रो वगैरह ये सारी चीजों में से क्या क्या चीजें चलनी स्टार्ट होगी तो उसके बारे में हम लोग को आराम आराम से पता चलेगा। तो अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आराम आराम से देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसके बारे में हम लोग फिर आगे समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर अभी महाराष्ट्र में कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लॉकडाउन को हटाया जाएगा, ये बोला जा रहा है कि अभी लगभग 2 वीक और इसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अब तक हर लेवल पर टॉप पर बना रहा, तो इसके चलते अभी सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रही है। तो देखते हैं कैसे चीजों को नॉर्मल किया जाता है, ठीक है। हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन वगैरह दी जा रही है, वो हर जगह आप लोग देख ही सकते हैं। अभी यहां पर ये सारी सिचुएशन के चलते चलते भी हमारी कंट्री में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपए पर लीटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग ये सारा क्यों चल रहा है यहां पर, ये क्योंकि अभी फिलहाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी जूझ रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी जूझ रही है, पैसे उनके पास में नहीं है, तो इसलिए यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जो फ्यूल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है। तो ये जो फ्यूल के ऊपर टैक्स लगता है सेंटर का अलग रहता है, स्टेट का अलग रहता है, तो इसके चलते यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अच्छे दिन है ये, यानी कि COVID-19 के चलते लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, फिर भी अगर उन्हें कहीं जाना है तो पेट्रोल उनको खरीदना है 100 रुपए पर लीटर, तो ये है अच्छे दिन। तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोल रही थी कि कांग्रेस टूल किट यूज कर रही है। टूल किट यूज करने की जरूरत ही नहीं है यार, दिख तो रहा है लोग 100 रुपए पेट्रोल का पे कर रहे हैं, तो ये टूल किट क्या रहेगी इसमें। टूल किट तो वो मानते हैं कि लोगों को दिखता नहीं, दिख रहा है लोगों, कितने सारे लोगों की जान जा रही है, आप लोग बोल रहे हैं टूल किट यूज कर रहे हैं, तो वो चीज एक बार को बोल सकते हैं कि जो रियलिटी में लोगों को दिख नहीं रही है कि आप भ्रमित एक तरीके से लोगों को किया जा रहा है। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा स्टेट और सेंटर दोनों मिलके साथ में है, तो इसको सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता था कि थोड़ा थोड़ा सा कम करते, इसको चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते, बाकी चीजों में आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इधर उधर, उनको थोड़ा देर रोक के इनको जहां जरूरी है वहां पर देखा जा सकता था, जो प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट है।
एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर ये सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी टाटा को पे किया जा चुका है, तो इसके चलते क्या चल रहा है। देखिए जो लंबे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनका कभी भी वन टाइम पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, उनका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए हम लोग कुछ खरीद रहे हैं रशिया से, तो वो अगर डिले हो गया प्रोजेक्ट तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा। तो ये चीजें क्या रहती है, इस तरीके से रहती है कि मतलब कि प्रोजेक्ट जो होते हैं इसमें वन टाइम पेमेंट नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट में चीजें चलती रहती है। जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा उस हिसाब से काम चलता रहेगा, एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वन टाइम पेमेंट कर देगी तुम लगे रहो, वो वाली चीजें नहीं होती है। तो इस तरीके से बोला, इसीलिए बोला जा रहा है कि इसको थोड़ा सा डिले कर दिया है ताकि उस वो पैसा जो है कहीं और यूज किया जा सके, उसलिए वो बातें बोली जा रही है, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा कीजिए। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है रेसलर सुशील कुमार के केस में। अभी यहां पर एक नया रंग अभी जो देखने को मिल रहा है, कई सारे लोग और पकड़ लिए गए, टोटल अब 9 लोग ऐसे हो गए जो कि डेथ के केस में अभी बिहाइंड द बार पहुंच गए। और यहां पर बोला गया था कि मीडिया जो है वो मजे ले रही है सुशील कुमार के, तो हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जब हरकतें की हैं तो मजे लेना बनता भी है। तो यानी कि बोला ये जा रहा है कि हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया गया कि मीडिया जो ट्रायल कर रही है, मीडिया खुद बोल रही है कि इनके जो है मेडल छीन लेने चाहिए, इनके ऊपर ये आरोप लगाना चाहिए, वो सारी चीजें, तो मीडिया खुद अपने आप में लगी हुई है। तो सबके अपने अपने परसेप्शन है, जैसे मैंने भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या मेडल वगैरह छीन लेने चाहिए, तो नहीं छीनने चाहिए, वो उनकी अलग मेहनत थी, अभी फिलहाल जो हरकत उनके द्वारा की गई है उसका उनको सजा मिलने ही वाली है। तो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, पर लेकिन मीडिया भी कई बार जजमेंट दे देती है, और इस तरीके से जजमेंटल में जो इमोशनल होकर लोग सामने आ जाते हैं तो इसका कई अलग तरीके से भी प्रेशर देखने को मिलता है, वो अलग बात है। यहां पर आप लोग की क्या राय है मैं जानना चाहूंगा कि लास्ट 12th के जो एग्जाम के जो बोर्ड के एग्जाम है उनको कैंसिल नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप लोग की क्या राय है। काफी लार्ज स्केल पर इसको समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज के में देश में, एक मैन अरेस्ट किया गया, एक पर्सन अरेस्ट किया गया, 10 लाख रुपए अब तक ये ठग चुका था लोगों से, ये ब्लैक फंगस की दवाई उनको प्रोवाइड करा रहा था। यानी कि मैंने कहा ना कि आज की डेट में लोग जो हैं उनको एक अच्छा तरीका मिल रहा है, मतलब एक वो नहीं कहते पर्सन की मजबूरी का फायदा उठाने का, तो ये काफी लार्ज स्केल पर फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे ही आप लोग यहां देखिए, 18 साल की एक लड़की, 18 साल की लड़की अभी पीछे नहीं है इस मामले में, 18 साल की लड़की जो है उसने लगभग 1.25 लाख रुपए जो है यहां पर लोगों से ठगे, उनको जो बेसिकली जो COVID-19 की दवाई बेची जा रही थी वो दवाई प्रोवाइड कराने के लिए। तो अलग अलग तरीके से यहां पर इनके द्वारा ये पैसे इकट्ठे किए गए। और जब कोई इंसान मर रहा होता है, उसके घर में कोई बीमार होता है यार, वो पैसे नहीं देखता है, उसको ये लगता है कि किसी तरीके से बच जाए, उसको आप लोग उस टाइम पर कितना भी बोलोगे ना कि इतना इंटरेस्ट पे कर देना, वो उतना ही इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार होगा। और ऐसे फंस भी गए हैं अभी कई सारे। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, एक पर्टिकुलर एक पर्सन था जिससे मैं बात कर रहा था, पर्सन क्या फ्रेंड ये एक तरीके से, तो उसने बोला यार अभी मोहल्ले में एक लड़का था, ठीक है, तो उसके पापा जो थे बीमार थे, उसकी मम्मी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो उसने क्या किया, उसके पापा का इलाज कराने के लिए उस बंदे ने मतलब अपना जो घर था वो गिरवी रख दिया, ठीक है। और उस टाइम पर जो उसके घर का जो प्राइस था वो लगभग मुझे लगा 15 से 20 लाख होगा, 5 लाख रुपए में घर गिरवी रख दिया, समझ रहे हैं आप लोग। इस टाइम पर सामने वाले ने देखा ये इसको जरूरत है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पर इसने जिस इंसान ने उसको पैसा दिया ओनली 5 लाख रुपए उस घर के, तो ये होता है मजबूरी का फायदा उठाना। वो अलग बात है कि बाद में उसको पैसे वो दे दिए गए अरेंज कर और उसका घर बचा लिया गया, तो ये कंडीशन अलग है। पर लेकिन रियलिटी में देखिए आप लोगों ने क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो ये गलत नहीं, बहुत गलत है यार, घटिया तरीका है बिल्कुल एक तरीके से। जब इंसान के पास है पैसा है, उससे पैसा लिया जाए समझ में आता है, जिस इंसान के पास में ऑलरेडी मजबूर है और उसको आप लोग ठग रहे हैं इस तरीके से, वो उसको जरूरत है 5 लाख की, तो आप लोगों ने घर मतलब सुन के भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि कहाँ है इंसानियत आज के डेट में ऐसे टाइम जब आता है। लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो अभी लक्षद्वीप के लोग प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, आवाज उठा रहे हैं, हाई कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि ये चल क्या रहा है, बताइए इसके बारे में। लक्षद्वीप के बारे में याद रखना, लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है हमारी कंट्री में जो कि किस हाई कोर्ट के अंदर में आती है, केरला हाई कोर्ट के अंदर में आती है, ठीक है। अगर पूछूं अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंदर में आता है तो आप लोगों को मैंने बताया भी था, बताइए आप लोग। और पुदुचेरी किस हाई कोर्ट के अंदर में आता है, हमारी कंट्री में तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसमें खुद की असेंबली है। एक तो हो गया ये फिलहाल अभी, हालांकि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें अभी हुई नहीं है कंप्लीट, तो अभी हमारे यहाँ पर पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो बाकी हाई कोर्ट ओनली 2 यूनियन टेरिटरी के पास में, जम्मू एंड कश्मीर और इसी के साथ में दिल्ली के पास में। अब तक एक ही यूनियन टेरिटरी दिल्ली थी जिसके पास में हाई कोर्ट था। तो ये अभी केस कहां पर है, केरला हाई कोर्ट में। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा।
सिचुएशन को कैसे लेकर चल रहे हैं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक साइड में एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है, सोलर पैनल दिखाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, पर लेकिन ये जो प्रोग्रेस चल रही है ये किसके किसके लिए, क्या एक तरीके से बनेगा, क्या गंवाना पड़ रहा है। तो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे खुद के हक छीने जा रहे हैं, उनकी जमीन में भी अगर खुद कुछ करना है तो उसमें वो परमिशन लेंगे, उसके लिए फी पे करनी पड़ेगी, उनकी खुद की जमीन जो है वहां पर वो अपने कंट्रोल में ली जा रही है, बहुत सारे लोगों का एरिया, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको जेल में डाल दो उठा के, गुंडे जैसे यहां पर कानून लाए जा रहे हैं, गुंडा एक्ट बोला जा रहा है उसको, ठीक है, कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है यहां पर आज की डेट में। यहां पर बात की जा रही है पर्टिकुलर एक, यह है नारदा केस के बारे में, कैसा केस है बेसिकली। देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर में आप लोगों को पता है क्या कंडीशन बनी हुई है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर जो मीडिया हाउसेस था उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, तो वेस्ट बंगाल में जो हाई प्रोफाइल नेता है उनको ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया। ये तो नॉर्मल सी बात है यार, नेता आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज की डेट में, ये बड़ा ही नॉर्मल सा है कि किसी न किसी कंपनी का फेवर करते हुए पाए जाएंगे, किसी न किसी से ब्राइब लेते हुए पाए जाएंगे। ये अलग बात है कि कई बार अपने आप ही सामने आ जाते हैं, कई बार कोई और लोग यहां पर इस तरीके से चीजें होते हैं, तो ये फिर पब्लिक में आ गई चीजें। तो उसी के चलते कई सारे वेस्ट बंगाल के जो मिनिस्टर हैं पकड़े जा रहे हैं, कई को इंटरिम बेल मिल रही है, तो यही केस चल रहा है। तो करप्शन का ये केस है, तो देखते हैं चीजें कहां पर जाकर रुकती हैं, आगे चलकर केस क्या ये सीबीआई के अंडर जाता है, क्या चीजें यहां पर आगे बढ़ती है, ठीक है। हालांकि जो यहां पर सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है केस को, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो कई सारे मुद्दे हैं, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। हमारी कंट्री के एक फ्रीडम फाइटर जो कि अभी हमारे बीच में नहीं रहे, 101 साल की उम्र में ये हमारे बीच से गए, तो दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं, और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस फील्ड से रिलेटेड थे, कौन थे फ्रीडम फाइटर थे। इंपॉर्टेंट बात ये कि 28 ईयर की एज में ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसमें यहाँ पर ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ये चुने गए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये जो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर बात करें अब हमारी बीच में यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम था TM कालेनन गाउंडर, ठीक है, तो ये इनका नाम था जो कि जो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अभी इनकी जो डेथ हुई है तो COVID-19 को कोई ऐसा नहीं बताया जा रहा है, ये इनको बेसिकली जो डेथ हुई है वो आप लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल एज की फैक्टर होते हैं ना उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। अभी जो डोवरी है यानी कि एक तरीके से जो दहेज प्रथा है वो काफी खतरनाक है सोसाइटी के अंदर, तो उसके चलते एक महिला है उसकी शादी हुई, उसने पैसा भी दिया अपना काफी कुछ घर से, एक तरीके से उन्हें कहते हैं माँ बाप जो एक जो बाप होता है वो क्या नहीं करता है बेटी को, एक तरीके से जो नहीं कहते कि एक एक अच्छा घर देने के लिए, पर लेकिन जो इंसान होता है वो एक तरीके से उसको एक प्रॉपर्टी की तरीके से देखता है कि हाँ बस शादी हो रही है तो आप लोग क्या करो अच्छे से जितना लूटना है सामने वाले को लूट लो, ठीक है। उन्हें मूवी देखिए ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, तो उसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो कई सारी चीजें आज ऐसे सामने निकल कर आती हैं, तो जो डोवरी के साथ में जो डेथ के केसेस निकल कर आते हैं तो 40-50% जो है यहाँ पर ऐसे केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारी महिलाओं को जला दिया जाता है, गला घोटकर मार दिया जाता है, कई सारी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो इसके स्कोप को बढ़ाने की बात की जा रही है जो सेक्शन 304B है यहाँ पर, ये ताकि अगर कोई ऐसा केस आता है इंडियन पिनल कोड जो भारतीय दंड संहिता के तहत तो उसको ढंग से समझा जा सके। 7115 केस डोवरी डेथ के भी यहां पर देखने को मिले जो रजिस्टर किए गए 2019 में अकेले, यानी कि 2019 में 7115 केस हमारी कंट्री में डोवरी के साथ में डेथ, यानी कि लड़की की डेथ भी हो गई डोवरी को लेकर। पहले बोला गया था ये देंगे वो देंगे, फिर नहीं दिया गया तो लड़की को मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए यार ऐसे इंसानों का, क्या किया जाए, ठीक है। लड़की कोई चाहता नहीं है लड़की पैदा ना हो, लड़की पैदा भी हो जाए तो फिर उसकी शादी को लेकर एजुकेशन को लेकर कोई फोकस नहीं देता है। मैं तो ये बोलूंगा लड़की को बिल्कुल, जैसे नहीं है ये महावीर फोगाट साहब है, महावीर ही है ना उनका नाम, जिनके द्वारा अपनी बेटी को गीता फोगाट और ये सारा जो फोगाट फैमिली है इस लेवल पर पहुंचा दो यार अपनी बेटी को कि सामने वाले की हिम्मत ही ना पड़े अपना मुंह खोल लेगी। मतलब दहेज में जितना पैसा दे रहे हो 15-20 लाख दहेज दे रहे हैं उसका 1/4 भी अगर उसकी पढ़ाई पर लगा दोगे ना तो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा अपनी बेटी की शादी करने के लिए। पर लेकिन रियलिटी में ये होता नहीं है, रियलिटी में सोसाइटी है एक ऐसी सोसाइटी जो अपने ही पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आती है। तो ये चीजें थोड़ी अंडरस्टैंड करने वाली हैं। आगे बात करते हैं इंडिया, ये अच्छी बात लगी मुझे काफी। यूएसए आप लोगों को पता है बोल रहे हैं कि चाइना से जो वायरस निकल कर आया उसको चेक करना चाहिए। अभी इंडिया भी थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना पे और बोल रहा है कि हाँ पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन क्या है इस वायरस का, सबको पता चलना चाहिए, तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर रिव्यू की बात की गई, तो WHO की स्पेशल टीम को बोला गया विजिट किया जाए। चाइना ने बोला था कि ऑलरेडी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं अर्लियर, उसमें कुछ नहीं मिला, तो फिर से यहाँ पर
थोड़ी स्टडी करने की बात की जा रही है कि वायरस आया तो आया कहां से, कुछ तो समझना पड़ेगा। जहां से वायरस आया उसका कहीं नाम ही नहीं आ रहा है सामने निकल कर, कुछ उल्टी सीधी हरकतें हैं क्या वहां पर। बस एक बार ये तो आया था कि 2 करोड़ के करीब सिम जो है वो काम नहीं कर रहे पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद में कोई खबर नहीं है चाइना से। तो चाइना ने कैसे समेट दिया, कैसे लपेट दिया वायरस को, तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना क्या हुआ, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसी को लेकर अभी काफी मुद्दे यहां पर निकल रहे हैं, ठीक है। बाकी 1 जून को बोला जा रहा है कि इसके ऊपर डिसीजन आएगा कि एग्जाम को कैसे लेकर चलें। अभी आप लोगों को पता है कि जो स्कूल चला करते थे उसमें मिड डे मील स्कीम चलती थी, जिसमें बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता था। तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि 100 रुपीज पर डे जो दिया जाएगा बच्चों को जो मिड डे मील इंजॉय करते थे। 100 रुपीज में क्या होने वाला है यार, तो ये एक तरीके से काफी कम अमाउंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसमें क्या चलेगा, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है कि यहां पर बेसिकली जो मनी है 12,000 जो 1200 करोड़ रुपए यहां पर, ठीक है, टोटल जो गीत दी जाएगी यहां पर 11.81 करोड़ जो चिल्ड्रन है थ्रू आउट द जो बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, पर लेकिन इससे कोई ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको और ढंग से लेकर चला जाता तो चीजें थोड़ी कुछ अच्छी देखने को मिल सकती थी, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इसमें थोड़ा सा तो कुछ अच्छे से होता है ताकि लगे कि हाँ रियलिटी में कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस अच्छा है, काफी कम हुए यहाँ पर 1.69 लाख, और डेथ के मामले भी थोड़े कम देखने को मिले, तो एक पॉजिटिव बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जयशंकर साहब जो है वो यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनसे मिले और बात की जा रही है COVID-19 को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। और भी यहाँ पर जैसे कि दवाई को लेकर कैसे आगे लेकर चलना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर कि किस तरीके से दवाई पर हम लोगों को टैक्स हटाना है उसको लेकर बात करें, पेटेंट फ्री कर देना चाहिए उसके ऊपर बात करें, इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो जानेंगे। असद साहब जो है जो बशर अल असद ये सीरिया के प्रेसिडेंट बन गए 4थी बार, ठीक है। अब तक यहां पर अगर आप लोग देखें इनके पिता सीरिया प्रेसिडेंट थे, अब फिर से प्रेसिडेंट चुनकर आ गए, और इंटरेस्टिंग चीज देखो 95% वोट तो इसको कहते हैं दादागिरी, ठीक है। तो ये एक तरीके से उन्हें कहते हैं पुलिस वाला गुंडा, तो ये सीरिया वाला गुंडा आप लोग बोल सकते हैं, इतने शानदार तरीके से जीत करा रहे हैं। बाकी हमारी कंट्री की 2 पर्सनैलिटी जो अभी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर अमित है और इसी के साथ में यहाँ पर ये शिवा, तो ये दोनों अभी फिलहाल यहाँ पर जो मेडल की ओर बढ़ रहे हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस देख रही है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है ये दुबई के अंदर में, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, आइए अब एडिटोरियल के बारे में जानेंगे। काफी प्यारे और काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों का एडिटोरियल देखने को मिलेंगे, अच्छे से सुनिएगा इनको, क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और क्वेश्चन देखिए आज आप लोगों को देखने को मिलेगा एससे जो होगा वो आप लोगों को हर सैटरडे में रहता है, कोशिश करना संडे और सैटरडे में थोड़ा सा टाइम निकालकर आप लोग एससे के बारे में जरूर सोचेगा, ठीक है। तो एससे पहले आइए, पहले आप लोग एससे ही दिखा देते हैं निबंध एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, स्पीच इज फ्री, यानी कि स्पीच फ्री है बट इट इज ए फ्रीडम दैट कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि स्पीच फ्री है कि हाँ आप लोग बोल सकते हैं कि भाषण आप लोग जहां चाहे जाकर बोल सकते हैं, पर लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल भाषण जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। उन्हें कहते हैं द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसी का एक रूप आप लोग ये बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को निबंध लिखना है। अभी हमारी कंट्री में जो पॉलिसी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, व्हाट्सएप क्या कर रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, हमारी कंट्री में प्राइवेसी का इशू है, डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए उसको लेकर कई सारी बातें रहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे एंगल आप लोग यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें चल रही हैं, फंडामेंटल राइट संविधान में कहां पर है, सोसाइटी का एंगल एक इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीजें हैं इसको लेकर, तो काफी कुछ आप लोग यहां पर इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक निबंध आप लोग लिखेगा और एक दूसरे का निबंध पढ़िएगा भी, उसको आप लोगों को ढंग से एनालाइज भी करना है, ठीक है। तो ये जरूरी है तभी आप लोग काफी कुछ जान पाएंगे। तो समझ लेते हैं ये वाला आर्टिकल यहां पर आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। आरबीआई के पास में जो सरप्लस मनी होती है वो ट्रांसफर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस रूल के बेस पर ट्रांसफर करते हैं, आरबीआई के पास में पैसा कहां से आता है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर समझेंगे जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेपाल के अंदर क्या रस्सा कसी चल रही है इसके बारे में फिर से एक ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे, हालांकि आप लोगों से अभी 1-2 दिन पहले मैंने डिस्कस भी किया था। बाकी यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाले आर्टिकल में कई सारी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा, हालांकि पता है आप लोगों ये सारी बातें, पर जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग एंगल देखने को मिलेगा, उसके बारे में समझेंगे। आज है सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, तो यहां पर चेन्नई के अंदर COVID-19 के जो केस बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है, अलग तरीके से चीजें और कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है चीजों को, तो वो सारी चीजें बताई जा रही है। नई गवर्नमेंट चुनकर आ रही है तो वो एक अच्छे लेवल पर चीजों को टैकल करने की कोशिश कर रही है, तो वो सारी बातें हैं। यहां पर ओलंपिक के बारे में बात की जा रही है, तो पहले इस आर्टिकल को मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक छोटा सा आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग भी है, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक है 2020 के, टोक्यो जो ओलंपिक है ये 2020 के, पर लेकिन हम लोग 2021 में खड़े हैं और फिर भी यहां पर 2020 लिखा हुआ है। जी हाँ, ये यहां पर 2020 ही रहने वाला है, 21 नहीं किया गया इसको। रीजन क्या है, इसका नाम 2020 ही रहेगा,
तभी लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छा ये वही वाला है जो पहले था। ठीक है, तो इसको पोस्टपोन किया गया और पहली बार ओलंपिक की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इसको पोस्टपोन किया गया। 124 साल के इतिहास में आज तक कोई भी ओलंपिक पोस्टपोन नहीं किया गया था। इससे पहले ओलंपिक गेम को कैंसिल तो किया गया था पर लेकिन पोस्टपोन नहीं किया गया था। तो 2020 का ओलंपिक था, 2021 में इसको पहुंचा दिया। तो यहां पर अभी फिलहाल फिर भी इसको 2020 का ही बोला जा रहा है। तो कहां पर है ये? टोक्यो। टोक्यो कहां पर है? जापान। तो जापान के अंदर ये ओलंपिक जो होने वाला है, जिसके ऊपर अभी दो माइंड लोगों के हो गए कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर कई सारी बातें चल रही है। तो यहां पर जो गेम है वो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप लोग वाई अगर ये से लिखेगा नो तो एन लिखेगा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। तो नेम तो वही रखा गया पर लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले, अगर कंडीशन आप लोग देखिए 2002 के बारे में बात करिए, जब मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, चाइना के अंदर वायरस निकल कर आया था जिसको बोला सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये उस टाइम पर सार्स जो कोव 2 आप लोग बोलते हैं, तो ये सार्स कोव 1 इसको आप लोग बोल सकते हैं। जब 2002 में चाइना के अंदर से वायरस निकल के आया, उस टाइम पर 30 कंट्री में लगभग ये फैला था। 8000 के करीब लगभग यहां पर जो लोग थे केस आए थे और लगभग 800 के करीब लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो ये कंडीशन आप लोगों को उस टाइम पर देखने को मिली, यानी कि ऐसा नहीं है पहली बार ही देखने को मिला है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इसके चलते 2003 का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप था, जो कि यहां पर चाइना के अंदर होने वाला था, उसको यूएसए के अंदर रीएलोकेट किया गया था सार्स के टाइम पर। तो ऐसे पहले भी ऐसे काम किए गए, ऐसे स्टेप उठाए गए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा नहीं है सब फर्स्ट टाइम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो बातें बोली गई हैं, ओलंपिक के इतिहास में तीन बार ऐसा हुआ है। 1916 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब यहां पर 1940 में और 1944 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, उस टाइम पर यहां पर ये ओलंपिक को कैंसिल किया गया, ना कि पोस्टपोन किया गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम ड्यूरेशन आप लोग बताइए क्या है, इनका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर ये आज की डेट का जो ओलंपिक है, अगर इसको आप लोग यहां पर कैंसिल कर देते हैं, तो जितना खर्चा आएगा वो एक ह्यूज, एक तरीके से लॉस आप लोग बोल सकते हैं। 15.4 बिलियन का यहां पर खर्चा बेसिकली देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। यानी कि बहुत सारे होटल वगैरह हैं जो बुक कर लिए गए हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर बना दी गई हैं, ग्राउंड वगैरह बुक कर रखे हैं, सारी चीजें क्या क्या है, सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, सारी अरेंजमेंट कर रखी है। तो दुनिया भर का पैसा यहां पर लगाया जा चुका है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, पब्लिक सेफ्टी को लेकर, जो प्लेयर है उनकी सेफ्टी को लेकर जो सारी चीजें, वो सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है। तो ओलंपिक में बाहर के बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही थी कि 11000 के करीब जो लोग हैं यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये जो ओलंपिक है ये यहां पर एक ह्यूज ग्रैंड सेरेमनी यहां पर देखने को मिलती है, पर लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यहां पर ये आ रही है कि आने वाले टाइम में अभी कोविड-19 की जो वेव है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है और अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ये माना जा रहा है कि जापान की अगर टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करें, जो फुल्ली वैक्सीनेट हुई है, लगभग 2% जापान की पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेट हो रखी है, यानी कि 98% जो लोग हैं अब तक उनको प्रॉपर दवाई, काफी हद तक फुल्ली वैक्सीनेट नहीं हुए, हो सकता है कि एक डोज मिल गया हो। तो क्या क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है? जापान के अंदर भी आप लोगों को लगभग 7 लाख के करीब केस देखने को मिलेंगे और 12000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है जापान के अंदर। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान एक ऐसी कंट्री जहां पर हेल्थ के ऊपर काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाता है और काफी अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां भी जगह नहीं है, आज के डेट में फुल भरा हुआ है, सारे हॉस्पिटल वगैरह सारी चीजें उस तरीके से चल रही है। तो कल को अगर कोविड-19 के चलते यहां पर ओलंपिक में आप लोगों को पता है लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं, कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं चीजों के, अगर इसके चलते कोई बुरी कंडीशन बन गई जैसे नॉर्मली इलेक्शन में चीजें देखने को मिल रही थी, तो इसको कौन रोक पाएगा, तो इसकी कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ये भी बोलने वाली बात हो जाएगी कि फिर यार रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखाया। बोला तो जा रहा है कि बायो बबल बना लेंगे, किस तरीके चीजों को टैकल कर लेंगे, वो सारी चीजें बोलना और फिर इंप्लीमेंट करना जरा सी भी कहीं चूक हुई तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, तो वो भी काफी बड़ी बात होगी। सोचिए कि अलग अलग दुनिया से यहां पर लोग आएंगे, अगर उनको बीमारी लग जाती है फिर और अलग कोई स्ट्रेन यहां पर निकल कर आ जाता है और फिर वो सब अपने घर भी जाएंगे। तो अलग अलग कंट्री में भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें बेसिकली दिक्कत हो सकती है। तो काफी सारी ऐसी बातें यहां पर बताई जा रही है। तो आसान तरीका ये, जापान में भी दो तरीके के लोग हैं, मैक्सिमम तो यही बोल रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, कैंसिल का तो कम बोल रहे हैं, बेसिकली बोले पोस्टपोन कर दिया जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि देखिए यार एक पैसा लगा हुआ है दुनिया भर का यहां पर। इसी के साथ में अगर बात कीजिए, बहुत सारे प्लेयर, पैसे को तो फिर भी एक बार को साइड में रख दीजिए, जो प्लेयर हैं उनको देखिए दुनिया भर के, जो तब से तैयारी कर रहे हैं उनकी कंडीशन कैसी चल रही है, तो उनके बारे में थोड़ा सोचिए। तो अभी कंडीशन को ध्यान में रखते थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए। इससे पहले कब हुआ था?
जो यहाँ पर ओलंपिक तो ये हुआ था रियो, ठीक है, रीडीज एरियो, ठीक है, 2000 ये आप लोगों को देखने को मिला था कब, ये 16 में, ठीक है। 2024 का ओलंपिक कब होने वाला है, ये 2024 का कहां पर होने वाला है, पेरिस, यानी कि फ्रांस में होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा और बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके एक और बात की, ओलंपिक जो है यहाँ पर, ये बेसिकली कोशिश ये रहती है कि इसको इस तरीके से लेकर चला जाए ताकि लोग जो है उसके अच्छे से साथ, उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट रहें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मोटो है ओलंपिक का, ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वो भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल का जो ओलंपिक है, जो प्रेजेंट टाइम का जो ओलंपिक है, इसमें फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि गेम को और आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले एथेंस में इनको स्टार्ट किया गया था, ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 1896 में, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। ओलंपिक एक तरीके से आप लोग गेम का महाकुंभ भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल है, और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल ये बोलता है कि आरबीआई के द्वारा जो सरप्लस है वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ट्रांसफर करता है। सरप्लस मतलब मान लीजिए आप लोगों को घर से हर महीने आते हैं 10,000 रुपए, ठीक है, ये नॉर्मल आप लोगों को मनी आती है। अभी फिलहाल घर पे लगा कि हाँ घर पे जो है पैसे थोड़े ठीक ठाक आ गए, अर्निंग अच्छी खासी हो गई, घर वालों ने आप लोगों को 15,000 रुपए बेसिकली ट्रांसफर कर दिए। तो 5,000 रुपए आप लोगों को अब की बार सरप्लस मिल गए, यानी कि ज्यादा मिल गए जितने नॉर्मली आप लोगों को मिलते थे, ठीक है। तो घर के पास में 5,000 रुपए ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया, सरप्लस आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया ताकि आप लोगों का खर्चा चलता रहे। तो रिजर्व बैंक जो इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा मिलता है वो यहां पर इसलिए मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट जस्ट स्टेक होल्डर, यानी कि ये आरबीआई में स्टेक होल्डर है, क्योंकि आरबीआई जो है एक तरीके से पार्ट है यहां पर, एक तरीके से कंट्री का, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। क्योंकि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही टैकल की जाती है कि क्या फिस्कल, यानी कि क्या यहां पर रेट चल रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें। तो देश की अर्थव्यवस्था चलानी है तो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बैंक की कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करे, ये बात इनके द्वारा बोली गई। मैं आप लोगों से पहले थोड़ा बैंक के बारे में बात करना चाहूंगा। यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं अगर आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बोलूं तो सारी इंडिया के जो लोग हैं आज के टाइम में वो इनके कर्जदार हैं। जिस तरीके से एक ऐसा शानदार संविधान हम लोगों को देकर गए और एक ऐसा शानदार बैंक इस्टेब्लिश करके गए, तो इनके बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में याद रखिएगा एक किताब है जिसका नाम याद रखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट ओरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये जो किताब इनके द्वारा लिखी गई, ये माना जा रहा है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की बात की गई तो एक यहां पर बेसिकली एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है, जिसको रॉयल कमीशन भी बोला, इसको हिल्टन यंग कमीशन भी बोला, ये इसी के नाम थे। तो यहां पर उस टाइम पर बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करना है। तो 1 अप्रैल 1935 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, इसका फाउंडेशन डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम पर जब यहां पर ये कमीशन आया इंडिया के अंदर में, तो इसके हाथ में, कई सारे लोगों के हाथ में जो भीमराव अंबेडकर साहब की किताब थी जब यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि काफी बड़ा रोल यहां पर इनको मॉडर्न इंडिया को सेव करने में इनके द्वारा दिया गया। 1 अप्रैल, वैसे आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल फुल डे सेलिब्रेट करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर आप लोगों को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि अप्रैल फुल डे है। अगर कुछ बातें बात करूं आप लोगों से, तो अप्रैल 1, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। इसी के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया गया, यानी कि हमारे देश का पार्ट बन गया 1949 में। इसी के साथ में पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर, फिर आगे ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई के अंदर 1937 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे इनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, तो ये इनके पहले, सबसे पहले गवर्नर थे। अभी कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंटरेस्टिंग है, जानकर आप लोगों को काफी कुछ यहां पर नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां पर ये कि सरप्लस जो है यहां पर ट्रांसफर जो किया जाता है, ये यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट किया गया। कमेटी का नाम याद रखिएगा, बिमल जालन कमेटी एस्टेब्लिश की गई। इसने बोला कि जो सरप्लस अमाउंट है बैंक के पास में वो ट्रांसफर कर देना चाहिए। यहां पर किसके हिसाब से ट्रांसफर करना चाहिए, तो ये एक्ट भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ये एक्ट है यहां पर सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस जो प्रॉफिट है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, तो इसके हिसाब से ये एलोकेशन यहां पर सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो कमेटी फॉर्म की गई थी आरबीआई ने बनाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में, और इसके द्वारा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था आरबीआई का कि कैसे इसको लेकर चलना है। मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में अभी फिलहाल जो है वो 20,000 रुपए हैं, ठीक है, तो ये 20,000 रुपए जो है आप लोगों को क्या करना है, किसी आप लोगों को मान लीजिए घर पर जरूरत पड़ गई तो आप लोगों ने घर पर ये पैसे पहुंचा दिए कि आप लोगों ने 15,000 रुपए घर पर पहुंचा दिए। आप लोगों का तो मन ये था कि सारे के सारे घर पर पहुंचा दें, पर लेकिन आप लोगों को ये लगा कि यार मैं भी बाहर रह रहा हूं तो पता चला कोई दिक्कत पड़ जाए तो 5,000 रुपए अपने पास भी रख लेता हूं, ठीक है,
तो इसी के चलते कंटिजेंसी रिजर्व बफर आरबीआई के द्वारा रखा जाता है। अगर कोई रिस्क जैसी सिचुएशन बनती है, कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, कोई दूसरी दिक्कत बन गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई रूममेट को दिक्कत पड़ गई, कुछ भी अपनी खुद की प्रॉब्लम आ गई, तो अपने पास में कुछ थोड़ा सा पैसा रखना ताकि अगर दिक्कत आए तो घर पे से ना मांगना पड़े, क्योंकि उस टाइम पर पता चला इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो कंटिजेंसी रिस्क बफर आरबीआई के द्वारा रखा जाता है। ये 5.5 to 6.5% तक रहता है जो आरबीआई की बैलेंस शीट है उसका, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी में पता नहीं क्या कहां पे क्या कंडीशन बन जाए, और उस टाइम पर अगर घर वालों से मांगो और घर वाले भी उस टाइम पर कोई और दिक्कत में चल रहे हैं, उनके पास में पैसा ना हो, तो ये सारी चीजें भी यहां पर आरबीआई के द्वारा इस तरीके से ध्यान में रखी जाती है। ठीक है, तो ये जो ह्यूज अभी सरप्लस यहां पर ट्रांसफर किया जाता है टाइम टू टाइम, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरबीआई पैसा कमाता कहां से है, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, तो रेपो रेट जो होता है उस पर आरबीआई क्या करता है, वो जो बैंक है हमारी कंट्री में उनको पैसा देता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, पर लेकिन जब रिवर्स रेपो रेट आता है तो फिर आरबीआई उनसे पैसा लेता है, तो इनके बीच में लगभग 1% का डिफरेंस होता है, इनके 1% रुपये यहां पर आरबीआई यहां से कमाते हैं, जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वहां से देखने को मिलेगा। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो भी ओवरनाइट जो लोन दिया जाता है बैंकों को, वहां से पैसा कमाकर जो लेकर आते हैं। ठीक है, कई बार जो बोरोइंग ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वहां से पैसा आरबीआई कमाकर लेकर आता है। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारा पैसा बैंक के द्वारा कमाया जाता है। बैंक का खर्चा कहां पर होता है, एक तो स्टाफ, कल को अगर आप लोग आरबीआई गवर्नर बन जाते हैं, जो आरबीआई जो ग्रेड बी ऑफिसर के एग्जाम के पेपर निकलते हैं ना, तो फॉर्म निकलते हैं, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा नोट अगर छापने हैं तो उसमें यहां पर खर्चा होता है। ठीक है, तो अक्रॉस द कंट्री जो डीलिंग करते हैं आरबीआई के ऑपरेशन, मान लो कहीं पर ऑफिस हैं तो सारे उनके खर्चे जा रहे हैं, तो ये सारे काम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आरबीआई के पास से पैसा कमाने का भी तरीका है और खर्च करने का भी तरीका है, तो दोनों ही तरीके हैं, तो उसको बैलेंस बनाने वाली बात हो जाती है। फिर आरबीआई के द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है कितना पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो 99,122 करोड़ रुपए यहां पर ट्रांसफर किए गए, यानी कि 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोविड 19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जरूरत भी थी, सेकंड वेव ने कमर तोड़कर रख दी, पर लेकिन एस्टिमेशन लगाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट में कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए, 53,000 करोड़ के करीब इनको मिलेंगे, तो उसका लगभग डबल मिल गया अभी इनको यहां पर सेंट्रल को, जो आरबीआई से यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो होता है 1 अप्रैल से लेके, तो 1 अप्रैल से चलता है और कब तक पहुंचता है ये 1 अप्रैल, इसको यहां पर थोड़ा सा आप लोग एक मिनट ब्लैंक पेपर देखते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये चलता है 31 मार्च तक। ठीक है, तो अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है, और इसमें आप लोगों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि यहां पर हो गया अप्रैल, हो गया अप्रैल, मई और जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तरीके से आप लोगों को क्वार्टर देखने को मिलेंगे, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर, तो ये फॉलो किया जाता है हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आरबीआई के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो आप लोग समझिएगा अब तक जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा था वो पैटर्न कहां से कहां तक चलता था इनका, ये जुलाई से लेके जून तक इनका पैटर्न चलता था। ठीक है, तो जुलाई से लेकर जब जून तक इनका पैटर्न चलेगा, जुलाई से लेकर जून तक का, तो इनका पैटर्न आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, उसी के साथ में अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो इसका इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसका ऐसे क्वार्टर यहां पर निकल कर आता था। अभी यहां पर यह बोला गया कि दोनों के जो क्वार्टर है वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए, यानी कि दोनों के एक पैटर्न में चलने चाहिए, तो कई बार यहां पर यह बोला जाता था, पहले से एक्सपेक्टेशन लगाया जाता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अपना जो बैंकिंग का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करना चाहिए, तो अभी उसी को 2021-22 के लिए सेशन के लिए उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ताकि जो चीजें उसको ढंग से लेकर चला जा सके, अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको, तो जून जो जुलाई से जून तक का चलता था उसको अप्रैल से मार्च तक करा जा रहा है अभी यहां पर, तो इसके चलते 9 मंथ का अभी यहां पर फाइनेंशियल हुआ, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था ना वो ओनली 9 मंथ का रहा। 9th मंथ का कैसे रहा, जब इन्होंने डिसाइड किया यहां पर ये, तो आप लोग समझिए जुलाई से यहां पर जुलाई से जून तक का किया, तो यहां पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा फिर मार्च। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को 9 महीने यहां पर ही होते हुए इसके नजर आ रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर यहीं पर ही कट हो गया 9 महीने का, अब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है इसके यहां पर, तो वो पूरा 12 महीने का होगा, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है वो ओनली 9 महीने का रहा आरबीआई का, अभी यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर पूरा रहेगा, तो इसके चलते यहां पर ये पैसा इकट्ठा हुआ है, फिर भी 73% हायर यहां पर अभी जो बेसिकली देखने को मिला इससे पहला जो था
था, ये एंड हुआ जो अभी 2020 में जून में, तो उसमें 73% हायर था प्रीवियस मंथ, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो आरबीआई के पास में अच्छा खासा पैसा क्यों रहा है, क्योंकि जब कंडीशन खराब होती है तो बैंक से काफी सारे लोग जो है पैसा लेते हैं, बैंक भी यहाँ पर कंडीशन खराब होती है तो वो आरबीआई के पास में जाते हैं, तो लास्ट रिजोर्ट की तरीके से देखा जाता है। आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया कि शार्प 63% कॉन्ट्रेक्शन हुआ है एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो मेजर फैक्टर क्या है, सरप्लस यहां पर बूस्ट हो रहा है, जब खर्चा नहीं करेगा तो पैसा बचेगा ना, तो वो वाली चीज आप लोग देखते हैं यहां पर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो आंसर दे पाओगे, ठीक है, ओके। तो ये रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो हमारी जो पीआईबी वाली वीडियो आती है उसमें एक ओवरव्यू में इसका दे चुका हूं, तो यहां पर इसका नाम आया तो मैंने सोचा आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में 81% जो यहां पर 81 बिलियन अभी आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है 81 से 82 के करीब यहां पर, तो 10% का इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 10% का इंक्रीमेंट किसमें देखने को मिल रहा है यहां पर, ये एफडीआई के अंदर में जो बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसमें 19% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 19% का मतलब क्या होता है, 19% का मतलब यहां पर ये होता है एक तरीके से कि आप सॉरी इक्विटी क्या होता है, इक्विटी होता है कि आप लोग शेयर खरीद रहे हैं यहां पर हमारी कंट्री में, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिंगापुर ने सबसे ज्यादा किया, यूएसए ने दूसरे नंबर पर, मॉरीशस तीसरे नंबर पर, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होना। बाकी शार्प ग्रोथ देखने को मिल रही है सऊदी अरेबिया में, 2.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया यहां पर, ये ठीक है सऊदी अरेबिया के द्वारा, जो पहले 19 बिलियन का किया जाता था, तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया। एफडीआई इक्विटी जो है यहां पर ये यूएसए की भी काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो यहां पर सर्च होगी, यूके की 44%, यहां पर यूएसए की डबल। किस राज्य में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, गुजरात में 37, महाराष्ट्र में 27 और कर्नाटका में 13% के करीब आप लोगों को देखने को मिला। सबसे ज्यादा किस एरिया में आया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा आया, कंस्ट्रक्शन में दूसरे नंबर पर और सर्विस में तीसरे नंबर पर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अभी बात यहां पर ये की जा रही है कि सेंटर को पैसा क्यों चाहिए, वैक्सीन के लिए, हेल्थ के लिए, फिस्कल जो सपोर्ट मिल सके, और आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, तो वहां से पैसा और मिल सकता है, तो ये बातें की जा रही है। तो आरबीआई को लास्ट रिजोर्ट बोला गया नेशन में, यानी कि कभी जरूरत पड़ती है तो इसके पास में जाते हैं, तो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है हेल्प करने के लिए, तो ये अभी फिलहाल जरूरत भी है, तो इसके बारे में यहां पर ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है, मोटा मोटा याद रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, ये जो आर्टिकल है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली क्या है यहां पर, ये बोला गया कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म वो होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो पैसे से पैसा कमा रही है, उसका पूरा फोकस रहता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाया जाता है, तो उनका बेसिक मुद्दा होता है। उदाहरण के तौर पर कई सारे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, आज के डेट में जो सारी प्राइवेट कंपनी है वो पेटेंट छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा खासा, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। पर लेकिन यहां पर एक रस्साकसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये पैसे के चक्कर में लोगों की जान गंवाने के लिए तैयार है। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म से थोड़ा साइड में हटके यार आप लोगों को चलना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा जनता के बारे में सोचना चाहिए कि जनता एक तरीके से जिंदा रहेगी तभी तो आप लोग पैसा कमाएंगे। एक्चुअल में है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है हमारी कंट्री की भी कि पेटेंट जो है वो कैंसिल हो जाए। पेटेंट मतलब जो यूएसए की कंपनी है, दूसरी कंट्री कंपनी है जो दवाई बना रही है, तो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन्होंने अपनी मेहनत करके दवाई बनाई, अब उनको जो उसका पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं कि वो पेटेंट को हटा दें ताकि वो दवाई सस्ती हो जाए, पहली बात यहां पर। अब प्राइवेट कंपनी क्या बोल रही है, यार हमारे ऊपर तो तुम प्रेशर डाल रहे हो कि हाँ आप लोग क्या करें कि अपना पैसा छोड़ दो, पर जब आप लोगों को बोला जाता है कि जीएसटी आप लोग हटा दो तो उसके लिए आप लोग तैयार नहीं हो। इनकी भी बात सही है कि हमारा टैक्स तो आप लोग, हमारा पैसा जो कमा रहे हैं वो तो आप लोगों आंखों में खर रहा है, पर आपके जीएसटी के बारे में बात करें, आपके टैक्स के बारे में बात करें, तो आप लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका वो नहीं कहते कि तुम्हारा कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता, तो वो वाली बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली है। तो जो कैपिटलिज्म है वो तो वैसे भी उसी के बेस पर काम करता है कि प्रॉफिट उनका होना चाहिए। तो अभी यहां पर बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए जनता के बारे में सोचिए सबसे पहले, अगर लोग जिंदा रहेंगे तभी तो चीजें रहेंगी। वो नहीं कहता कि जान है तो जहान है, तो वो चीजें पहले आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। तो मनी जो है कैपिटलिज्म को ड्राइव करती है, कैपिटलिज्म लोग इसीलिए उसमें कूदते हैं क्योंकि पैसा कमाया जा सके, पर लेकिन रियलिटी में लोगों की जान उससे ऊपर होनी चाहिए। तो इंसानियत के नाते ही कम से कम आप लोगों को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये काफी एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि दूसरों को बोला जा रहा है कि दूसरों को नुकसान हो जाए पर लेकिन अपना थोड़ा सा भी नुकसान ना हो जाए। तो ये बैलेंस कैसे बनाना है, तो वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये बात कर रहा है बेसिकली नेपाल के बारे में, और नेपाल के बारे में क्या बात की जा रही है कि नेपाल की जो डेमोक्रेसी है वो स्टेक पर लगी हुई है। देखिए नेपाल में क्या हुआ, अभी यहां पर रस्साकसी चल रही थी, ये मैंने आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, नेपाल में रस्साकसी चल रही है, पर लेकिन इस रस्साकसी के बाद में तूफान के बाद में जो शांति आएगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा लेकर आएगी। तो देखने वाली बात यह है कि कितना ज्यादा चीजें स्टेबल हो पाती है। अभी कंडीशन यहां पर यह है, नेपाल के अंदर असेंबली को भंग कर दिया गया है,
केपी शर्मा ओली जो है वो अकेले यहां पर अभी पावर में बैठे हुए हैं, चीजों को लेकर चल रहे हैं यहां पर नेपाल के अंदर में। जब इलेक्शन होंगे तब की तब देखी जाएगी, पर यहां पर अभी कंडीशन ये है कि हमारी कंट्री के खिलाफ यहां पर कई बार नेगेटिव सेंटीमेंट्स रहते हैं, तो उसमें कैसे बैलेंस बना के चलना है उसको लेकर चलने की बात की जाती है, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो कई सारी चीजें अभी काला पानी को लेकर हमारी कंट्री और नेपाल के बीच में मुद्दा उठा लिया, अपनी कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे मुद्दा भटकाने के लिए हमारी कंट्री के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि नेपाल के अंदर आगे आने वाले टाइम में जैसे इलेक्शन होंगे तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि स्टेबिलिटी देखने को मिले, पर प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 के चलते सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, जिसके ऊपर काम करना चाहिए और सिचुएशन को सुधारना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या है यहां पर, इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कुक जो आइलैंड है एग्जैक्टली, तो पैसिफिक ओशन में आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और पैसिफिक में भी ये साउथ की साइड में थोड़ा आप लोगों को नजर आएगा, तो आंसर इसका बी हो गया। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन, बाकी जो भी सारी पीडीएफ वगैरह है वो आप लोगों को यहां पर इकट्ठे मिल जाती है। लेक्चर कैसा लगता है आप लोग फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए, फीडबैक से ये रहता है कि हाँ आप लोग एक तरीके से फीडबैक जब देते हैं तो क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है वो चीजें फिर समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी हो आप लोग फीडबैक देकर जरूर जाइए कि क्या क्या आप लोग यहां पर बुरी लग रही है। कोई भी अगर आप लोगों से मान लो आप लोगों को 10 नंबर बोला मैंने, ठीक है, आप लोगों ने उसमें से 7 नंबर दे दिए, तो 3 नंबर किस चीज के लिए कट किए हैं वो जरूर लिखा कीजिए, यही एक तरीका फीडबैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी लेक्चर कैसा लगता है अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।